नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विलास और स्वामी जी मनी मार्केट में आप सभी का एक बार फिर से मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अच्छे अच्छे शेयर्स खोद खोद कर मैं आपके लिए निकाल कर दे सकूँ। और मैं बहुत सारे वीडियोस बना के बहुत सारे शेयर्स की जानकारी आपको डेली दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप फिर से एक अपने स्क्रीन के ऊपर रेट देख रहे होंगे, 101.10 रुपये का यहाँ रेट चल रहा है और ये फ्लक्चुएशन चल रही है, मार्केट अप डाउन हो रहा है। ये आज का रेट है दोस्तों, आज का रेट, आज गुरुवार मार्केट शुरू है, इसीलिए यहाँ पे आपको आंकड़े ऊपर नीचे होते हुए दिख रहे हैं। आप यहाँ 5 दिन का चार्ट देख सकते हैं, 94 रुपये की गिरावट के बाद शेयर उठा है। आप यहाँ पे 1 महीने का चार्ट देख सकते हैं, 83 रुपये से शेयर उठा है। आप यहाँ पे 6 महीने का चार्ट देख सकते हैं, 52 रुपये की गिरावट के ऊपर शेयर उठा है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। जी हाँ दोस्तों, 101 रुपये का शेयर, अभी मार्केट शुरू है इसीलिए आपको यहाँ पे ये भाव देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे मैक्स कर देता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 2002 में जिसने इन्वेस्ट किया था 10 रुपये शेयर था, सिर्फ 10 रुपये, और आज देखिए दोस्तों कहाँ पहुँच गया है। 2020 के बाद 2021 चल रहा है, 101 के ऊपर जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का शेयर है। आप यहाँ नीचे न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट में एड्रेस GST अनोमली ऑन डोमेस्टिक शिपिंग फ्रॉम SCI स्ट्रेटेजिक सेल शिपिंग कॉरपोरेशन BEML सेल टू बेनिफिट फ्रॉम टैक्स वेब। टैक्स में बेनिफिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं आपको वो न्यूज़ नहीं पढ़ के दिखा रहा हूँ, वरना मैं आपको वो न्यूज़ दिखा देता। एक बार स्क्रीन पर चलकर चेक कर लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेसिकली ट्रांसपोर्ट कंपनी है शिपिंग इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर में 105 का अब तक का अपर सर्किट लग चुका है, 31.5 का लोअर सर्किट लग चुका है और मार्केट कैपिटल भी बहुत ही शानदार 4,695 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है दोस्तों। बुक वैल्यू 166 रुपये की, तो बुक वैल्यू है दोस्तों, डिविडेंड भी कंपनी देती है, ROC ROE भी ठीक ठाक शानदार है यहाँ पे, और फेस वैल्यू भी दोस्तों इसकी 10 रुपये की है। अगर आप भी शिपिंग कॉरपोरेशन, ये जो आप शेयर देख रहे हैं दोस्तों, ये नहीं क्या ये भागेगा दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा है कि ये अभी चढ़ाव में है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ 100 रुपये का शेयर अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, मगर मैं कह रहा हूँ आपको ये भागेगा। कंपनी हैज रिडक्ट डेप्ट, कंपनी डेप्ट क्लियर करने की कोशिश में, कंपनी डेप्ट क्लियर कर देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट्स भी है, कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ वगैरह यहाँ पे, तो वो उतना कुछ खास इस कंपनी के ऊपर असर नहीं करेंगी, ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा भागेगी। आप यहाँ देख सकते हैं पेयर कंपैरिजन में, दोस्तों पहले नंबर पे आ रही है ये कंपनी SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया, ये पहले नंबर पे आ रही है दोस्तों। ये भागेगा, ये शेयर और भागेगा, ये आपको 100 रुपये का शेयर दिख रहा है दोस्तों, ये और भागेगा, मैं कह रहा हूँ आपको ये और भागेगा। आपको इसमें दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मेरा बताने का काम है, मगर इन्वेस्ट करने का काम आपका है, प्रॉफिट भी आपका होगा, नुकसान भी आपका होगा, थोड़ा सोच समझ कर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से ये शेयर भागेगा। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में भी ये अपने आप को ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहा है, इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है, देखिए लगातार जो यहाँ पे आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। 2020 की बात करें तो 302 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा हुआ, और उसके बाद का जो यहाँ पे मुनाफा देख सकते हैं यहाँ पर 777 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा आपको देखने को मिल रहा है। यानी ये शेयर पक्का दोस्तों, ये एक पक्का भागेगा। यहाँ टोटल असेट्स भी कंपनी के पास में देखिए बहुत है, 13,305 के असेट्स हैं यहाँ पे, तो एक फ्लो है कंपनी में, कंपनी का नाम है, कंपनी शिपिंग कंपनी है दोस्तों, ये तो बिजनेस कंपनी है दोस्तों, और बिजनेस सेक्टर कभी नीचे नहीं जाता, बिजनेस सेक्टर हमेशा ऊपर ही जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए आप विदेशी जितने भी यानी जो आगे जो प्रोसेस है, जो शिपिंग है, वो विदेशों से होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज का जो माल है ना, वो शिपिंग यार्ड से आता है। तो दोस्तों देख सकते हो दोस्तों कि इसमें ग्रोथ है, इस शेयर में ग्रोथ है। आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग जो ना 63.75 2018 से सेम बनी हुई है, पब्लिक के पास उल्टा होल्डिंग कम थी तो अब बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे सेक्टर्स जैसे FIIs और DIIs ने अपनी होल्डिंग्स थोड़ी कम और ज़्यादा की है यहाँ पे, तो इस चक्कर में पब्लिक के पास पब्लिक होल्डिंग्स बढ़ गई, मगर प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम है।
इसीलिए कह रहा हूं मैं आपको, इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। 100 रुपए का महंगा शेयर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल महंगा शेयर नहीं है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 100 रुपए के हिसाब से बहुत ही शानदार शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में मिलेगा। बुक वैल्यू दोस्तों इसकी 166 रुपए की बुक वैल्यू है। एक बार नहीं क्या, मैं आपको मनी कंट्रोल में लेके चलता हूँ, यहाँ के यूजर्स क्या कहते हैं, हमें सारी जानकारी रखनी चाहिए, हमें सबकी सुननी चाहिए, वो क्या कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं एमसी टेक्निकल ट्रेड भी जो है ना वेरी बुलिश है। और भी नीचे चलते और भी चेक करते हैं, यहाँ टेक्निकल रेटिंग भी देख सकते हैं आप दोस्तों, वेरी बुलिश शेयर है, मूविंग एवरेज भी बुलिश है, यानी एक बहुत ही शानदार शेयर आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पे आपको कितने साल में कितना समय में कितना मुनाफा यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिला होगा। एक वीक में 2.23% का मुनाफा मिला, एक महीने में 20.38, तीन महीने में 86% का मुनाफा मिल गया यहाँ पे, एक साल में 91% का यहाँ पे मुनाफा मिल गया, तीन साल में 38% से ज्यादा का मुनाफा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी लगातार जो है वो प्रॉफिट में, कंपनी लगातार प्रॉफिट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिटी सेंटिमेंट्स 82% का कहना है, मनी कंट्रोल में जो यूजर्स है उनमें 82% का कहना है कि आपको इसको बाय करना चाहिए, सिर्फ 6% का कहना है कि आपको इसको सेल कर देना चाहिए, मगर 12% का कहना है आपको इसको होल्ड करना चाहिए। यानी कि 82% और 12% मिलाओगे तो इसका आंकड़ा और बढ़ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात भैया। 82 कह रहे हैं कि बाय करना चाहिए और 12% जिसने पहले ही खरीद रखा है वो कह रहे हैं इसे होल्ड करना चाहिए, तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रॉफिट देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे शेयर्स के साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ताकि ऐसे शेयर्स की अच्छी से अच्छी जानकारी मैं आपको दे सकूँ।